आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसका जो मेजरमेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल। तो ये गोल्डन कलर का कपड़ा है जिसकी बैक नेक की डिजाइन हम आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करेंगे तो कमर 40 इंच रेडी चाहिए, तो उसका तीसरा भाग ले लेंगे तो 13.3 इंच, और एक्स्ट्रा ले लेंगे 1.5 इंच जो कि प्रिंसेस का डिजाइन में कटिंग में जाएगा 1.5 इंच, इसलिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसकी लेंथ 15.5 इंच ले लेंगे, 15 इंच रेडी करना है। और नेक की चौड़ाई 2.5 इंच और शोल्डर 6 इंच। तो ये देखिए नेक की जो लेंथ है ये हम यहाँ पे 5.5 इंच ही ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको डीप कर सकते हैं, इसको 6.5-6.7 आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आर्म होल इसके 6 इंच ले लेंगे और ये नेक का शेप दे देंगे राउंड शेप। और उसके बाद फिर से 13 इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहाँ आर्म होल की गहराई 1 इंच पे दे देंगे। अब जो प्रिंसेस कट का जो पॉइंट लगाएंगे वो 10.5 इंच पे लगाएंगे, और चूंकि कमर 40 है तो इसके हिसाब से 4 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ नीचे से भी 4 इंच। और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच लिए थे वो 1.5 इंच मार्क कर देंगे और लेंथ में 2 इंच ले लेंगे और उसके बाद इसका शेप दे देंगे। तो ये देखिए प्रिंसेस कट का शेप दे दिए हैं। और हाँ, हम सिर्फ आपको मार्क करके दिखा रहे हैं क्योंकि हम प्रिंसेस कट प्लेन वाला बनाएंगे तो दो टाइप का बनता है। तो ये बेल्ट वाली बस कटिंग ऐसे ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा मार्क कर देंगे और नीचे से बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये देखिए 4 इंच और उधर से 3 इंच मार्क करके फिर लाइन खींच लेंगे और फिर क्रॉस बेल्ट का शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप दे सकते हैं, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए उसके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर क्रॉस बेल्ट लगाना होता तो पहले नीचे से कटिंग करते बाद में ये लगाते। तो ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा था उसको काट के हटा देंगे। हम नेक की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद बीच से कट लगा देंगे। तो ये दो पार्ट रेडी हो गया और दोनों ये भी रेडी हो गया। अब जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर डाल के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब हम ये सबको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हम सबको अटैच करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के हटा दिए हैं। अब यहाँ से ऊपर से ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे और फिर इसको सिलाई करते हुए नीचे तक ले आएंगे। अब इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये जो शेप है अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए इस तरह रेडी होगी। तो इस तरह हम दोनों रेडी कर लेंगे और उसके बाद लगभग 2 इंच की पट्टी ले लेंगे लाइनिंग कपड़े की और उसको डबल फोल्ड करके फिर इसको नीचे से अटैच कर देंगे।
अब ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हम बटन पट्टी लगा लेंगे, तो सेम डबल कर देंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। अब इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह इसका एक पार्ट रेडी हो गया है। अब दूसरा पार्ट रेडी करेंगे, तो पहले इसमें भी नीचे पट्टी लगा देंगे। और ऊपर से फिर से सिलाई लगा देंगे और उसके बाद अंदर की तरफ मुड़ के सिलाई लगा देंगे। अब इसमें काज पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए मेन कपड़ा लेके उसके ऊपर लाइनिंग कपड़ा रखेंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट के हटा देंगे। इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे और इसको फोल्ड करते हुए इधर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह काज पट्टी बना लेंगे। अब एक सिलाई और लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। अब ऊपर से जो बटन पट्टी है उसको भी माप लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा कपड़ा उसको काट के हटा देंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो नेक का शेप दे देंगे और उसके बाद सिलाई करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब दोनों को रख के चेक कर लेंगे, कोई भी छोटा या बड़ा तो नहीं है। अगर कोई भी बड़ा हो तो उसको काट के हटा देंगे। अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे, तो उसके लिए डोरी वाली पाइपिंग रेडी कर लेंगे और उसके बाद इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और उसके बाद फिर नीचे की तरफ मोड़ के उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो इस तरह इसका एक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। अब इसको भी नीचे की तरफ मोड़ देंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा पाइपिंग बनके ये रेडी हुआ है। तो बैक पार्ट की डिज़ाइन हम आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुके हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये देखिए पहले दोनों शोल्डर अटैच कर देंगे और उसके बाद ऊपर से नीचे तरफ सिलाई थोड़ा सा लगा देंगे, क्योंकि बैक पार्ट में बाद में थोड़ा सा लेस अटैच करेंगे। आप चाहे तो लेस अटैच कर भी सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं भी कर सकते हैं। तो दूसरे साइड भी शोल्डर अटैच कर लेंगे और फिर आर्म होल के पास सिलाई करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ देंगे। तो ये देखिए पहले हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं, तो दोनों सेंटर को मिलाते हुए नीचे तक जाएंगे और उसके बाद इसमें सिलाई कर लेंगे। शोल्डर का सेंटर और जो स्लीव्स का जो सेंटर है वो सेंटर को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अभी ऐसे ही सिलाई कर लेते हैं, फिटिंग कितने पे होगी वो हम आप लोग को बाद में बताएंगे जब पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा, तब इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिर से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और फिर सिलाई लगा देंगे।
अब इसको भी अटैच कर देंगे। तो ये देखिए नीचे का जो थोड़ा सा छोटा पार्ट खुला हुआ था उसके नीचे पहले हम इसमें लेस अटैच कर देंगे। इसके ऊपर डबल सिलाई कर देंगे। तो अब देखिए इसको अटैच कर देंगे और दूसरे साइड भी इसको अटैच कर देंगे। तो पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्म होल है वो ले लेंगे। तो सारे 9 इंच पे रेडी करना है। तो सारे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो स्लीव्स की फिटिंग है वो सारे 6 इंच पे मार्क कर लेंगे और दूसरे साइड भी सेम सारे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे आर्म होल और सारे 6 इंच पे स्लीव्स। तो ये देखिए सारे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और कमर हमको 40 रेडी करना है। तो 40 के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम मार्जिन में ले लेंगे, फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए 40 5 इंच एक्स्ट्रा है। तो 1.25 इंच दोनों साइड से ले लेंगे। और ये देखिए आर्म होल का मार्क था वो और जो स्लीव्स का जो मार्क किया हुआ है वो सबको लेते हुए सिलाई करेंगे। अब इसके ऊपर ठीक जो फिटिंग करना है ठीक उसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो इस तरह मार्जिन भी छूट गया और सिलाई भी 2-3 लग गया। तो ये देखिए 1.25 इंच है। तो 1.25 इंच जहाँ से होते हैं वहाँ से थोड़ा सा छोड़ के इधर से सिलाई कर लेंगे और उसके बाद जहाँ मार्क किया हुआ है ठीक उसके ऊपर दोबारा सिलाई कर देंगे ताकि कभी लूज करना हो तो बस एक सिलाई खोलने से ये ब्लाउज लूज हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह ये 40 इंच अब हो जाना चाहिए। तो ये देखिए 40 इंच हो गया है। तो इस तरह ये ब्लाउज रेडी हो गई है। और इसका प्रिंसेस कट का भी शेप बहुत अच्छे से बैठा है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।